बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। कैप्टन बनने के लिए बेताब हुई टीना दत्ता, शिव ठाकरे ने पलटा गए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ पायल और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टॉप मस्त में। दोस्तों बिग बॉस में काफी धमाल हो रही है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना ना भूले। सलमान खान का धमाकेदार रियलिटी शो बिग बॉस 16 को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इस शो का अच्छा खासा बज बना हुआ है। बिग बॉस के घर में इन दिनों शिव ठाकरे का राज है। उनकी कप्तानी की घर वालों ने तारीफ की है। वहीं अर्चना गौतम को भी शिव की कप्तानी पसंद आई है, लेकिन अब कोई दूसरा सदस्य कैप्टन बनने वाला है। जी हां, इस रेस में सबसे आगे टीना दत्ता और निमृत कौर है। लोगों का ये मानना है कि इस बार टीना घर की रानी बनेगी। टीना भी यही चाहती है कि वो एक दफा कैप्टन बने। उन्होंने बिग बॉस से भी कहा है कि वह उन्हें एक बार मौका जरूर दे। शुरुआत में शिव ठाकरे से लेकर एमसी स्टेन तक सभी सदस्य ये चाहते थे कि टीना दत्ता इस बार कैप्टन बने, लेकिन अब कुछ सदस्य उनके खिलाफ हो गए हैं। जी हां, हालिया एपिसोड में निमृत कौर काफी भावुक हो गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीना को सिर्फ कप्तानी चाहिए। वहीं शिव ठाकरे ने भी निमृत का साथ देते हुए कहा कि कप्तानी पर पहला हक उनका है। दरअसल टीना ने अब्बू से कहा था कि वे उन्हें कैप्टन बनाने में सपोर्ट करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल करेंगे। हालांकि कुछ समय बाद शिव ने अब्दू से कहा कि हमारे लिए निमृत कौर ज्यादा जरूरी है। वहीं टीना दत्ता कैप्टन बनने के लिए काफी बेताब है। उन्होंने सभी घर वालों से ये कहा है कि वे उन्हें बर्थडे गिफ्ट में घर की कप्तानी दे। अब अपकमिंग एपिसोड में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि घर का नया कैप्टन कौन सा सदस्य बनता है। वहीं हालिया एपिसोड में अर्चना गौतम, सौंदर्य शर्मा, अंकित गप्त, शालीन भनौट और प्रियंका चौहर चौधरी सोते हुए नजर आए थे। इसके बाद बिग बॉस ने उन सभी को सजा देते हुए कहा कि अगले आदेश तक बारी बारी से कोई ना कोई सदस्य इस कुर्सी पर बैठा रहेगा, बाकी के बचे हुए 4 सदस्य लगातार उन्हें मुंह पर पानी फेंकते रहेंगे। हालांकि अर्चना इस टास्क को करने से मना कर देती है। अर्चना बिग बॉस को कहती है कि उन्हें पानी से परेशानी है, इसलिए वो ये टास्क नहीं करेंगे। अर्चना का ये अंदाज बिग बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें इसके लिए सभी सदस्यों को सजा देते हुए घर का आधा राशन वापस ले लिया। इसके बाद सभी घर वालों ने अर्चना को खरी खोटी सुनाई। हालांकि बाद में उन्होंने सभी से माफी मांग ली। तो बिग बॉस में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल टॉप मस्त को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।